हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टाइल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बेला वीटा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी, अनबॉक्सिंग भी करूँगी, जो कि मैं नायका पिंक सेल से ऑर्डर की थी। और इसका कम से कम इसको मैं 1 से 1.5 महीना यूज़ करके इसका आज रिव्यू दूंगी कि ये कैसा काम करता है और इसका जो प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसमें मुझे 7 प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, जो कि फेस वॉश है और टोनर है, इसके साथ ग्लो सी ग्लो का जो जेल है और एक स्क्रब है और लिप स्क्रब है और फेस का एक पैक है और एक अंडर आई जेल है। ये 7 प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुआ है, जो कि ये एक कॉम्बो पैक में था और काफ़ी अफोर्डेबल था। मुझे ये 490 में मिला है ये सारे प्रोडक्ट। तो पहले फेस वॉश का बात करेंगे। फेस वॉश काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका फेस वॉश, क्योंकि ये ग्लो पैक है। मैं दुर्गा पूजा से पहले ये ऑर्डर की थी दुर्गा पूजा के लिए, और ये एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है। आप सब जानते हैं नायका में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है। देखिए, ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, 1 से 2 बार होगा और नहीं है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। दिन में मैं 3 बार फेस वॉश करती थी, नॉर्मल मैं मॉर्निंग और नाइट में करती थी, कभी कभी अगर दिन में बाहर जाती थी तब कर लेती थी। तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, कम से कम ये आपका 1 से 1.5 महीना चल जाएगा। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तो इसमें वाटर, प्यूरिफायर वाटर है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज ऑयल है, क्यूकुम्बर है, ग्लिसरीन है और बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट है। तो दोस्तों, इसमें केमिकल भी यूज़ हुआ है, जो कि स्किन के लिए हानिकारक नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, स्किन फ्रेंडली केमिकल इसमें यूज़ हुआ है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एक पम्प में आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है इसमें। तो बेला वीटा ऑर्गेनिक एक नेचुरल बेस कंपनी है, जो कि क्रुएलिटी फ्री है और ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसमें पैराबिन यूज़ नहीं हुआ है या कोई भी सल्फेट भी यूज़ नहीं हुआ है, सर्टिफाइड आयुर्वेदा का कंपनी है ये। तो इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ का है, काफ़ी अच्छा है। ये 2 महीना आपका चल जाएगा अगर दिन में आप 2 बार यूज करते हैं। तो इसके प्राइस की बात करेंगे तो ये 249 इसका प्राइस है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो है टोनर। टोनर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मेरा एक पुराना टोनर था इसील बायोटिक का, जो कि ख़त्म नहीं हुआ था, उसको ख़त्म करके मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया हूँ, इसलिए ये कम क्वांटिटी में ही ख़त्म हुआ है। आप इसको दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टोनर सबको अच्छा लगता है और टोनर ज़रूरी होता है दोस्तों। फेस वॉश के बाद टोनर इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, पहले टोनर इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी क्रीम यूज करें। तो इसके बाद ये जो आता है, ये है इसका जेल, जो कि है ऑयल फ्री जेल, फेस जेल है। ये ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन में काम करता है और आपका जो ऑयल प्रोडक्शन जो होता है स्किन में, उसको वो कंट्रोल करने का दावा करता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा है, इसका फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है। और इसको आप पैक की तरह यूज़ कीजिए, मसाज क्रीम की तरह यूज़ कीजिए, या जेल जैसे यूज करके धो देते हैं उस वैसे ही यूज कीजिए, नहीं तो आप जेल लगा के इसको धो, इसमें नहीं मेंशन है कि आप इसको लगा के 1 घंटे 2 घंटे के बाद धो दीजिएगा, पर जेल को धोना चाहिए दोस्तों, जेल को रखना नहीं है फेस में, नहीं तो आपका जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाता है, इसलिए जेल को लगा के 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप धो दीजिए, वो ठीक रहता है स्किन के लिए। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसमें टर्मेरिक एक्स्ट्रैक्ट है, पपाया एक्स्ट्रैक्ट है, सेफ्रॉन है, एलोवेरा है, प्योरीफाइड वाटर है, ग्लिसरीन है, विटामिन ई है, विटामिन सी है और इसमें ऑरेंज ऑयल है। तो लगभग सब प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स का सिमिलरिटी है। तो दोस्तों, इसमें जो मेंशन है आपको लगाने के तरीका, आप इसको सुबह भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। तो आपके फेस को वॉश करके इसको लगाने की सलाह दी जाती है, पर इसको लगा के धोने का कोई भी इसमें मेंशन नहीं है। पर जेल को आप 2 घंटे से ज़्यादा मत रखिए, आप अपने फेस को वॉश कर दीजिएगा। तो इसके बाद 4th जो प्रोडक्ट है वो है ये स्क्रब। काफ़ी अच्छा स्क्रब है दोस्तों, अगर आप एम कैफेन का स्क्रब यूज किए होंगे तो वैसे ही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो स्क्रब है ये पाउडर फॉर्म में आता है, आप इसको अपने फेस पे, पूरे बॉडी पे, कहीं भी लगा सकते हैं। मैं फेस पे खासकर एलोवेरा जेल के साथ इसको यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। आप पानी में किसी कैसे भी यूज़ कीजिए, आप स्क्रब पूरे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, आपका डेड सेल हटा देता है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये स्क्रब यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, आप माइल्ड स्क्रब ही यूज कीजिए। तो इसकी प्राइस की बात करेंगे तो ये 99 रुपीज़ है, इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है, 20 ग्राम की क्वांटिटी में है ये।
तो बहुत दिन चल जाएगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, आपको थोड़ी सी ही चाहिए। पूरे बॉडी पे आप लगा सकते हो। आप वीकली एक बार स्क्रब कीजिए आपके पूरे बॉडी का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, स्किन ग्लो करेगा। जैसे कि इसका नाम है सी ग्लो, ये सच में ग्लोइंग करता है, स्किन को बॉडी को भी ग्लो ही करेगा। तो दोस्तों, इसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इस पर यूज किया गया है वॉलनट सेल, रॉक सॉल्ट, कोकोनट ऑयल, कॉफ़ी सीड पाउडर, ग्लिसरीन। काफ़ी अच्छा है, अच्छे से स्क्रब हो जाएगा। वीकली आप एक बार या दो बार जरूर स्क्रब कीजिए, ताकि ऊपर का जो डेड सेल है वो हट जाएगा, आपकी स्किन स्मूथ एंड ग्लोइंग हो जाएगा। तो दोस्तों, आप 5 प्रोडक्ट में आ जाएंगे। 5 प्रोडक्ट में है D10 फेस पैक। तो ये सैम्पल पैक है जो कि मुझे फ्री में मिला था। सैम्पल पैक इसका जो क्वांटिटी है ये 15 ग्राम के क्वांटिटी में है। इसका प्राइस है 99 रुपीज़। अगर आप सैम्पल पैक ऑर्डर करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन आपको सूट करता है कौन नहीं। तो दोस्तों, इसको देखिए, मैं 2-3 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी ही चाहिए, पूरे फेस में आप स्प्रेड कर दीजिए। अच्छे से ये काम करता है टैन के लिए, क्योंकि मैं 3 बार ही इसको यूज की हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे फोरहेड का जो थोड़ा बहुत टैन था वो हट गया है धीरे धीरे करके। खूब अच्छा लगा, क्योंकि टैन के लिए स्क्रबिंग और पैक जरूरी होता है। तो इसका भी सेल्फ मंथ 24 मंथ है दोस्तों। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तो इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड पाउडर, तुलसी एक्स्ट्रैक्ट, नीम एक्स्ट्रैक्ट, मुल्तानी मिट्टी, पोमोग्रेनेट ऑयल, एनमोल ऑयल, ग्लिसरीन, सेसमी ऑयल, विटामिन B3, एलेंटोइन, मैंगो बटर, सिया बटर, बहुत सारा ऐसा सनफ्लावर ऑयल, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। बेला विटा ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और रिच है, पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स सब यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है। तो दोस्तों, आप आ जाएंगे 6 प्रोडक्ट में, जो कि है लिप स्क्रब, जो कि निकोल लिप सेल। ये प्रोडक्ट मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, मुझे मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है ये। बहुत लोगों का लिप ब्लैक है, मतलब थोड़ा डार्क हो जाता है पिगमेंट की वजह से, नहीं तो लिप ड्राई हो जाते हैं, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरा जो लिप का कलर है थोड़ा ब्लैक है। मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है दोस्तों। ये जो है इसका नाम है लिकोलिप्स लिप लाइटनिंग स्क्रब बाम। आपके लिप को ये ब्राइटन करेगा, एक्सफोलिएट करेगा एंड मॉइस्चराइज रखेगा, तीनों का काम ये करेगा। क्योंकि अपने लिप मुताबिक आप क्वांटिटी लेके अपने लिप को अच्छे से स्क्रब कर दीजिएगा 1-2 मिनट तक। उसके बाद उसको 5 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, या 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं। उसके बाद लूक वार्म वाटर, जो कि गुनगुना पानी से अच्छे से वाइप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो टैन का जो पैक है उसको भी आप गुनगुना पानी से वाइप करना मत भूलिएगा। ये सब जो प्रोडक्ट है बेला विटा का, उसको यूज़ करने के बाद आपको गुनगुना पानी से फेस को वॉश करना पड़ेगा। तो लिप स्क्रब में भी वैसे ही है, काफ़ी अच्छा है। आपके इसको जब भी आप वाइप कीजिएगा, देखिएगा आपके जो लिप है थोड़ा पिंकिश कलर का आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अगर बाहर जाना चाहते हो तो आप ऐसे ही जा सकते हैं, आपको लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, इसका भी प्राइस जो है 99 रुपीज़ है। ये 5 ग्राम का क्वान्टिटी में आता है। ये सब सैम्पल पैक है दोस्तों, ये फ्री में आया था इसमें। तो इसका जो भी सेल्फ लाइफ है 24 मंथ का है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इसमें यूज हुआ है एलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैरेट सीड ऑयल, सिया बटर, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज हुआ है दोस्तों। इसमें कोई भी मतलब केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, और थोड़ा बहुत जो केमिकल यूज़ हुआ है वो स्किन फ्रेंडली है, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। तो मुझे सबसे अच्छा लगा ये निकोलिप्स, क्योंकि एक लिप में एक अच्छे से पिंक टोन आ जाता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो है बेला विटा ऑर्गेनिक का न्यू एज आयुर्वेदा का आई लिफ्ट अंडर आई जेल क्रीम। ये काफ़ी अच्छा है, आप कभी अगर यूज किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा है, सूदिंग है, आपको अच्छे से नींद आ जाएगी, क्योंकि इसको लगाने के बाद मतलब आँखों को एकदम ठंडक पहुँचता है, जो कि बोलते हैं एकदम आराम लगता है। दिन भर का भाग दौड़ के लाइफ में आँखों को ही ज़्यादा मतलब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर इसको लगा के आप जब भी इसको रात में लगाइएगा, उसके बाद आपको अच्छा नींद आएगा, आँखों को एकदम ठंडक पहुँचता है, बहुत ही सूदिंग फील करता है ये। ये डार्क सर्कल को भी रिड्यूस करता है, साथ ही साथ पफिनेस को भी ठीक करता है, फाइन लाइन रिकल्स को भी ये ठीक करता है। अंडर आई जेल मतलब दोस्तों ज़रूरी होता है सबके लिए, क्योंकि 25+ के बाद अंडर आई में रिंकल्स फाइन लाइंस ऑलरेडी आ जाते हैं, इसीलिए अंडर आई जेल कभी यूज़ करना मत भूलिएगा। और जैसे कि आजकल अब जैसे कि हम मोबाइल सब यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल भी आ जाता है, नींद भी पूरी नहीं होता है, इसलिए आई जेल लगाना मत भूलिएगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पे एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, तुलसी एक्सट्रैक्ट,
बाकुची ऑयल, एलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, ग्लिसरीन, विटामिन ई, क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट, नेचुरल हनी। इसको आप दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, थोड़ी सी क्वांटिटी में, पी साइज क्वांटिटी में लेके हल्के आज से अंडर आई में आपको मसाज करना है जब तक वो ऑब्जर्व ना हो। तो दोस्तों ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरी यूज़ के लिए मैंने ऑर्डर की थी। इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल चुकी हूँ, बहुत दिन पहले इसको ऑर्डर की थी, आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में जाके। ये अपने पैसे से खरीद के मैं रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि बेला वीटा का मैं कभी ट्राई नहीं की थी, पहली बार ट्राई की हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं 10 out of 9 देना चाहती हूँ। सी ग्लो मतलब ये ग्लोइंग प्रोडक्ट, ये आपको अच्छा खासा ये ग्लो देगा दोस्तों। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक